तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ वार्षिक बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का आपका अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है हमारा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं का आपका अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आप सबसे पूछा जाएगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा तैयार कर लेना है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा आज हम यहां से अंग्रेजी विषय के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं जो कि बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार का होने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा तैयार कर लेना है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों आपके अंग्रेजी के पेपर में टोटल आपसे 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहां से सेट बी का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 का क्वेश्चन पेपर है जो कि पूरा का पूरा इस प्रकार का होगा। आप सभी लोग यहां से इसको देख लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपका क्वेश्चन पेपर ए टू जेड क्वेश्चन इसमें इसी प्रकार के पूछे जाएंगे जो कि मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सोल्यूशन को कि किस प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर पूरा होने वाला है और इसका सोल्यूशन आपको कैसे पूरा तैयार कर लेना है। तो ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का सेट भी। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाएं। देखिएगा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका, यहाँ पर क्या लिखा गया है, द एम्परर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपको क्या लिख लेना है, आप सभी लोग इस जगह से इसको देख लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर ए नंबर का ही सही होगा जिसमें कि लिखा गया है इट रिमेंड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, द पीपल सॉ द गोल्डन पिक्चर। तो देखिएगा दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यार विद्यार्थी पूछा गया है इसका उत्तर आपका कौन सा आ जाएगा, तो इसका उत्तर आपको लिख लेना है इन ए लेक नियर बाय, ये इसका उत्तर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एम्परर्स ऑर्डर वेयर देट आल। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा गया प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर भी आपका सी नंबर का आ जाएगा, ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड, ये इसका उत्तर होगा। यहाँ से आप लोग इसके उत्तर को नोट कर लेंगे और उसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या होगा, यहाँ से आप सभी लोग देख लेंगे, व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग ए पिक्चर गिफ्ट। तो देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा गया है इसका उत्तर आपका यह आ जाएगा ए हैंडफुल ऑफ वाटर। और उसके बाद में 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, द एम्परर्स फियर्ड। तो देखिएगा एम्परर जो था राजा जो था किससे डरता था, गेटिंग ओल्ड यानी कि वो बूढ़ा होने से उसको डर लगता था। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा है, आप लोग यहाँ से देख लें, इसमें आपसे एक और पैसेज पूछा जाएगा, ये भी आपका 5 अंक का पैसेज होगा। तो चलिएगा वन वन करके वन इसको देखते हैं और समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है, यहाँ से आप लोग देख लेंगे, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन लिखा है इसका उत्तर आपका आ जाएगा वेहल, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, वेजिटेबल ऑयल इज ए मेनली यूज्ड फूड। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपका आ जाएगा कुकिंग। उसके बाद में दूसरे 3रे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, द ऑफ फिश यील्ड नरिशिंग ऑयल। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा गया है प्यारे विद्यार्थियों इसका जो उत्तर आएगा यह आ जाएगा आपका लीवर, इस जगह से आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द फैट ऑन ए वेल इज कॉल्ड। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी उसको कहते हैं ब्लबर, यहाँ से आप लोग नोट कर लें। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द प्रोटेक्ट। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों नाउन फॉर्म क्या होगा प्रोटेक्ट का, तो यहाँ से आप लोग को लिख लेना है प्रोटेक्टिव, इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा, इस जगह से आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिएगा क्या लिखा गया है, यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन ए सप्लाई ए सुइटेबल टाइटल। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों नोट मेकिंग समरी बनाने के लिए आपको मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंत में एक एंड स्क्रीन उपलब्ध करवा दूंगा, आप लोग वहाँ से नोट मेकिंग समरी बहुत ही अच्छे से बनाना सीख सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सेक्शन बी में जो जो भी आपके से यहाँ पर पूछा गया है इन सभी का सोल्यूशन मैं आपको इसकी आंसर शीट के ऊपर देने वाला हूँ। तो यहाँ तक का आप लोग देख लें, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सारे के सारे पेपर में पूछे जाएंगे जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी के, यहाँ से हम ग्रामर को देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग इस ग्रामर को देख लीजिएगा कि किस प्रकार से आप सभी को इस ग्रामर का सॉल्यूशन तैयार करना होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, देर इज नॉट वाटर इन द पूल। तो देखिएगा इसमें से आपको एनी लिख लेना होगा,
हिज फादर इज MLA, तो देखिएगा इसमें आपको एन लिख लेना होगा। उसके बाद में भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, तो देखिएगा इसमें आपको देन लिख लेना है। द रिपोर्ट्स वार लास्ट वीक, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको क्या लिख लेना है, राइट रोड रिटर्न क्या आएगा, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस जगह से आपको रिटर्न लिख लेना है। आई हैव बीन हियर, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका सिंस आ जाएगा। लुक यू लीव, तो देखिएगा इसमें क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर के क्वेश्चन में आपको लिख लेना है बिफोर, इसमें आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग भर लें यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें कि आपसे डू एज डायरेक्टेड आपसे पूछे जाएंगे, जिनका सोल्यूशन मैं आपको आंसर शीट के ऊपर देने वाला हूँ। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, देखिएगा पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे उनके बारे में वो क्या सोचता था, उनको कहता था वो बंच ऑफ क्रोक्स। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों नेल्सन मंडेला के अनुसार करेज क्या है ये आपको बताना है। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। दूसरे का जो उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों, तो दूसरे का उत्तर आपका बी नंबर का आ जाएगा। यहाँ से देख ले, ट्रियम्फ ओवर फियर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अमांडा वांट टू बी एन ओपन, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा गया है इसका भी उत्तर आपका बी नंबर का आ जाएगा। यहाँ से देख लें आप लोग। और इसके बाद में चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर भी आपका बी नंबर का आ जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। और इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 10 का ए वाला भाग दिया गया है, आप सभी लोग इसको भी अच्छे से पढ़ लें। देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिमिलर मीनिंग द वर्ड बुद्धा, तो देखिएगा बुद्धा का सिमिलर मीनिंग क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 10 का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा है इसका इसका आंसर ये आ जाएगा। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 10 का ए वाला सही नहीं होगा, इसका आपको बी वाला सही करना है। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों इसी का दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा 10 का दूसरे का कौन सा आंसर सही होगा, यहाँ से आप लोग देख लें, तो इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। और तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो तीसरे नंबर के क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका जो आंसर आएगा वो आपका ये आ जाएगा, ये वाला। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा 10 का ये बी वाला भाग दे रखा है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें। तो 10 के बी का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है, आप लोग यहाँ से देख लें। तो पहले का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका सी नंबर का आ जाएगा, ये देख ले, कार्ल सैंडबर्ग। उसके बाद में दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, द पोएट कंपेयर्स द फोक विद, तो देखिएगा दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से आपको ये लिख लेना है केट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, हाउ डज द फोक अराइव इन द डिपार्टमेंट, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा गया है इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है साइलेंटली। इस प्रकार से आप लोग यहाँ से लिख लें। और आगे इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 है और ये 13 लिखा है। इन सभी के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों में आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ, तो पहले आप लोग इन प्रश्नों को देख लें। अब देखते हैं हम इन सभी के सभी प्रश्नों की आंसर शीट को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 में पेसेज पूछा गया था ये पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन है, आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। और ये इसी के सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है जिसमें भी आपसे 5 नंबर का एक पेसेज पूछा गया है, तो आप सभी लोग यहाँ से इसको इस प्रकार से नोट कर लेंगे पूरा। और ये सेक्शन बी में पूछी गई आपसे नोट मेकिंग समरी है, नोट मेकिंग समरी के लिए प्यारे विद्यार्थियों आपको इस वीडियो के अंत में एक एंड स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से नोट मेकिंग समरी को बनाना अच्छे से सीख लेंगे। और आगे देख सकते हो इस प्रकार से आप सभी को नोट मेकिंग समरी बना लेनी है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें इस प्रकार से जो यहाँ पर आपको पूछा गया है सब्जेक्ट चेंज के लिए, तो देखिएगा ये पूरा का पूरा इसका आपको इस प्रकार से पूरा लिख लेना है, ये यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना था, तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसको देख लेंगे और समझ लेंगे। और उसके बाद में आगे लिखे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर लिखा है, इंपॉर्टेंट ऑफ ट्री के ऊपर आपको एक पैराग्राफ बनाना था, तो इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे। और ये सेक्शन सी के सभी उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं, आप सभी लोग सेक्शन सी के सभी प्रश्नों को देख लें और इनके उत्तरों को देख लेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, यहाँ से आप लोग इसको देख लें, इफ सी डज नॉट कम ऑन टाइम सी विल मिस द ट्रेन, तो देखिएगा इस प्रकार से आप सभी लोग इसको देख लेंगे। ये किस प्रकार से आपको बना लेना है मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ कि आपको डज नॉट हटाना है और इफ की जगह पर अनलेस लगाना है, सी इसी प्रकार का आ जाएगा और बाकी आपको इसी प्रकार से पूरा यहाँ पर लिख देना है। सिर्फ आपको कम जो लिखा है इसमें एस लगा के लिखना, बाकी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में आगे इस प्रकार से ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर ये लिखा है, 3 का उत्तर ये लिखा गया है, 4 का उत्तर ये लिखा है और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों 5 का उत्तर ये लिखा गया है। इस प्रकार से आप सभी लोग इनको देख लेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों ये सेक्शन डी लिखा है,
सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 9 के उत्तर है सभी के सभी, आप लोग यहाँ से देख लें। ये क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा वाला उत्तर लिखा है, ये तीसरा लिखा है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें। और इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से शुरुआत होती है आपके क्वेश्चन नंबर 10 की, जिसमें से आपसे एक एक्सट्रैक्ट पूछा गया है, तो आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे सभी के सभी। इनके उत्तर देखिएगा किस प्रकार से आपको चार्ट लेना है, इनका सॉल्यूशन मैं पहले ही आपको पेपर पे ही हल करके बता चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ से उसको देख लिया होगा आपने। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं, तो एक क्वेश्चन नंबर 11 का पूरा उत्तर लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के उत्तर को पूरा आप लोग यहाँ से नोट कर लें। और उसके बाद में ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा वाले प्रश्न का उत्तर, और उसी के बाद में प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 के तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। और इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है क्वेश्चन नंबर चौथे का उत्तर, यहाँ से आप लोग देख लेंगे। और ये लिखा आपके क्वेश्चन नंबर पाँचवें का उत्तर, आप लोग देख लें यहाँ से। और ये लिखा आपका देखिएगा, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर लिखा गया है, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये टोटली प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दिया गया है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और उसी के बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, इसको देख लें आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दिया गया है, आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा। और 13 के दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से देख लें और पूरा समझ लीजिएगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देखिएगा ये इसका तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, आप लोग यहाँ से इसको देख लें, ये पूरा का पूरा इसका उत्तर लिखा है। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, गिव ए पेन, तो देखिएगा पूरी तरह से आप लोग यहाँ से इसके उत्तर को नोट कर लेंगे। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर लिखा गया है, और ये देखिएगा आप लोग यहाँ से इसको देख ले, 16 का उत्तर लिखा है, ये 16 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर लिखा है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आप सभी को सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी के उत्तर बता दिए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।